शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू क्लास टू। हियर आई एम मिस ज़ायदा, योर साइंस टीचर। टुडे इज़ फ्राइडे एंड द डेट इज़ 4 दिसंबर। ड्यू टू सम इशू आई कांट सेंड यू साइंस लेक्चर टू यस्टरडे, सो एवरी वन टू गेट रेडी फॉर स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 एनिमल्स। ओके एवरीवन, ओपन योर स्टेपिंग स्टोन बुक पेज नंबर 52। वी आर रीडिंग अबाउट एनिमल्स। बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि एनिमल्स जानवरों को कहा जाता है, और आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स कहाँ कहाँ रहते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि डू यू नो दैट, क्या आप जानती हैं दैट देर आर मोर देन 1 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स नाउन टू अस, कि ऐसे 1 मिलियन से भी ज़्यादा जानवर हैं जिनको हमने जानना है दुनिया में जो पाए जाते हैं। ठीक है, मैनी हैव येट टू बी डिस्कवर्ड, यानी अब उनमें से कुछ जो है वो दरियाफ्त हो चुके हैं, यानी हमें नज़र आ रहे हैं, उनके बारे में हमें पता है। द एनिमल यू सी अराउंड यू आर जस्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ दिस ह्यूज वराइटी, और उन इकसाम के जन जो बहुत सारे इकसामों के जानवर हैं, बहुत सारी किस्मों के जानवर हैं, उनमें से कुछ जो है उनको हम देख सकते हैं। वो हम फिल्मों में देखते हैं, TV पे देखते हैं, इसके अलावा हम जब कहीं जू में जाते हैं। अब सम एनिमल्स आर बिग, कुछ उनमें से कुछ बहुत सारे बड़े बड़े जानवर होते हैं, कुछ जो है सम एनिमल्स आर स्मॉल, कुछ जानवर छोटे होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। सम एनिमल्स आर कलरफुल, कुछ जानवर जो हैं वो बहुत रंग बिरंगी होते हैं, उनके बहुत सारे कलर होते हैं। सम एनिमल्स आर डल कलर्स, और कुछ जो हैं वो डल कलर के होते हैं, यानी उनके बहुत कलर लाइट होते हैं, बहुत हल्के कलर्स के होते हैं। जिनमें देखें, ये आपको व्हेल मछली नज़र आ रही है, ये लेडी बर्ड नज़र आ रही है एनिमल, ये बटरफ्लाई है, तितली, और ये आपको गैंडा नज़र आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये इसके अलावा आज हम अब नेक्स्ट पेज पे ज़रा ये देखें सब बच्चे। वेयर डू द एनिमल्स लिव, क्वेश्चन है कि वेयर डू द एनिमल्स लिव। अब ये आपके पास क्वेश्चन भी आ गया, इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये इसका आंसर ऊपर ये लिखा हुआ है, एनिमल्स लिव ऑन लैंड, जानवर जो होते हैं वो ज़मीन पर रहते हैं, वाटर पानी में रहते हैं, एंड एयर और हवा में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने अपनी नीट कॉपी पर लिखना है, राइट करना है, वो आपने 4 दिसंबर डेट डालनी है, थर्सडे डे लिखना है, और फिर क्वेश्चन टॉपिक लिखना है एनिमल्स, और फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपने उसका लिखना है मार्जिन लाइन ड्रॉ करके। ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा सा रीडिंग करूँगी मैं, इसको आपको इसके बारे में बताऊँगी। मोस्ट एनिमल्स, मोस्ट मैमल्स, मैमल्स बेटा वो जानवर होते हैं जो दूध पिलाने वाले होते हैं। मोस्ट मैमल्स सच एज एलिफेंट्स, कैट्स, फॉक्सेस एंड ह्यूमन इंसानों को कहते हैं, फॉक्सेस लोमड़ी को बोलते हैं, बिल्लियाँ, हाथी, ये जो जानवर हैं ये सारे कहाँ रहते हैं, लिव ऑन लैंड, ज़मीन के ऊपर रहते हैं। मैमल्स हैव एन ऑर्थ्रोपॉडी कवरिंग ऑफ हेयर और फर, ये जो मैमल्स होते हैं इनके जिस्म पर इनकी जो बाहर का हिस्सा होता है वो कवर हुआ हुआ होता है, मुलायम खाल से और बालों से। दे लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, ये मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं, ईट डिफरेंट फूड, मुख्तलिफ खुराक इनकी होती है, मुख्तलिफ ये जो खाना खाते हैं, जो मुख्तलिफ एक दूसरे से मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं, एंड मूव डिफरेंटली, और मुख्तलिफ अंदाज से हरकत करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर अ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, इसलिए ये अपनी शक्ल और जिसामत के लिहाज से भी मुख्तलिफ होते हैं। अब आपको लुक एट दिस पिक्चर, आपको एलिफेंट नज़र आ रहा है, माउस, चूहा, फॉक्स, लोमड़ी। ठीक है, एनिमल्स नीड, जानवरों को भी ज़रूरत होती है किसकी, हवा की, एयर, हवा, वाटर, पानी एंड फूड, और खुराक की, टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए। ठीक है बेटा, सम एनिमल्स हैव 4 लेग्स, कुछ जानवरों की 4 टांगें होती हैं। अब इनमें डॉग, रैबिट, डियर, कैंगरू, कैट, टाइगर। ठीक है बेटा, ये जो एनिमल्स हैं ये 4 टांगों वाले होते हैं, और ये देख सकते हैं आप इन सबको, आपको वैसे भी आपको उनको, आप इनके बारे में जानते हैं, कुत्ता, खरगोश, हिरन, कैंगरू, और बिल्ली और चीता, शेर का ये नस्ल होती है।
अब है सेंटीपीड्स एंड कैटरपिलर्स हैव मैनी टिनी लेग्स। इनकी जो सेंटीपीड्स होते हैं जो जिसको हम कनखजूरा बोलते हैं, कैटरपिलर को हम जो है ना वो सुंडी उसका वैसे हम उसका नाम है, वो जो है ना ये जो जानवर हैं ये इनकी बहुत सारी छोटी छोटी टांगें होती हैं। दे क्रॉल, ये हरकत करते हैं ऑन ग्राउंड, ज़मीन पर। ठीक है बेटा, ओके। डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 52 एंड 53 मस्ट इन होम थ्री टाइम अ डे। रैबिट, डियर, कैंगरू, कैट, टाइगर। ठीक है बेटा, ये जो एनिमल्स हैं ये चार टांगों वाले होते हैं और ये देख सकते हैं आप इन सबको, आपको वैसे भी आपको उनको आप इनके बारे में जानते हैं, कुत्ता, खरगोश, हिरन, कैंगरू और बिल्ली और चीता, शेर का ये नस्ल होती है। अब है सेंटीपीड्स एंड कैटरपिलर्स हैव मैनी टिनी लेग्स। इनकी जो सेंटीपीड्स होते हैं जो जिसको हम कनखजूरा बोलते हैं, कैटरपिलर को हम जो है ना वो सुंडी उसका वैसे हम उसका नाम है, वो जो है ना ये जो जानवर हैं ये इनकी बहुत सारी छोटी छोटी टांगें होती हैं। दे क्रॉल, ये हरकत करते हैं ऑन ग्राउंड, ज़मीन पर। ठीक है बेटा, ओके। डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 52 एंड 53 मस्ट इन होम थ्री टाइम अ डे एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन साइंटिफिक टर्म्स अंडरलाइंड ऑन बुक लाइक दिस। ऑथर कवरिंग फॉर लिव डिफरेंट साइज शेप्स प्लेसेस मैमल्स फॉक्स एलिफेंट्स ह्यूमन लैंड वाटर एयर अराउंड ह्यूज वराइटी काइंड्स डिस्कवर्ड साइजेस कलर्स। ओके क्लास टू, आपने अच्छे से इन दोनों पेजेस को 52 एंड 53 पेज को रीड आउट करना है और इन वर्ड्स को जो मैंने अंडरलाइन किए हैं मस्ट आपने इनको अच्छे से कॉपी में भी लिखना है और इन स्पेलिंग को पढ़ना भी आना चाहिए और आपको याद भी होने चाहिए। ओके क्लास, एंड दिस इज योर क्वेश्चन। आपने जो है ना वो टॉपिक लिखना है एनिमल्स और क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर वन, वेयर डू एनिमल्स लिव। तो आपने आंसर लिखना है एनिमल्स लिव ऑन लैंड वाटर एंड एयर। ठीक है बेटा, वाटर एंड एयर ये सब बच्चों ने नीट कॉपी पे लिखना है और याद करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।